महापौर आजाद डेवर ने एक बार फिर बूढ़ा तालाब में बन रही चौपाटी को लेकर कांग्रेस पार्षदों के साथ अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि यह चौपाटी महिलाओं एवं यहाँ की छात्राओं के लिए असुरक्षित है। चौपाटी बनने से यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा, जो यहाँ आने वाले लोगों के साथ ही महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल पैदा करेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भी बूढ़ा तालाब में चौपाटी बनाने के विषय में सोचा गया था, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ छात्राओं को समस्या हो सकती है तो हमने चौपाटी बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता ने रास्ता क्लियर कर दिया और यहाँ पर चौपाटी बननी शुरू हो गई। ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सरकार में बहुत भिन्नताएं हैं, सरकार में कोई समानता वाली चीज नहीं है। इसी सरकार के एक विधायक वहां पर जाके विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, बच्चियां आती जाती हैं, जहां पर हमने यूथ हब बनाया। खैर वो कोर्ट का मामला है, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मगर एक मामला यहाँ पर यह है कि एक रसूखदार मंत्री, पूर्व मंत्री, रसूखदार परिवार के लोग जैसी ही सरकार बदलती है रास्ता खोल दिया जाता है चालाकी से। ये वही बूढ़ा तालाब है जहां शनिवार और इतवार को, शुक्रवार शनिवार इतवार पूरे परिवार के साथ में 5 से 6 हजार लोग यहां पर आना जाना करते थे। ये वही बूढ़ा तालाब है जो एक बहुत बड़ा, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तत्वों के लोग हैं, जो अपने सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, उन लोगों के लिए बूढ़ा तालाब एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था, जो आके सुबह और शाम यहाँ पर वॉकिंग और बात अपने हिसाब से करते थे, योगा करते थे, यहाँ पर एक्सरसाइजें होती थी। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि षड्यंत्र पूर्वक यहाँ का गेट को खुलाया गया, दरवाजा खुलाया गया, वहां पर ये लिख दिया कि हम बनाए, हम ही सवारेंगे, ये सवार रहे हैं। अब हम लोग को समझ में आया कि आप लोग को भी समझ में आएगा कि कौन सवार रहा था और कौन इतना बड़ा यहाँ पर बिगाड़ा किया है। अब यह आप लोगों को सोचने की बात है कि बूढ़ा तालाब में आप लोग ने बहुत ज्यादा वो बताया कि बूढ़ा तालाब में ऐसा हो रहा है, बूढ़ा तालाब में वैसा हो रहा है, अब कैसा हो रहा है? आप लोग क्यों ये चीज आप लोग को बताओ कि ये बूढ़ा तालाब, ये वही बूढ़ा तालाब है जहां पर 5 से 6 हजार लोगों की शनिवार इतवार को भीड़ रहती थी। आज रास्ता खुलने की वजह से यहाँ पर आदमी, एक भी आदमी अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है नगर निगम से। सबसे पहले तो इसको पर्यटन विभाग से स्टाइल से दे दिया गया कोर्ट का हवाला देते हुए, मगर कोर्ट का हवाला देते हुए जैसे ही पर्यटन विभाग को दिया गया और तुरंत वहां से रास्ता खोल दिया गया। रास्ता खोलने के उपरांत, रास्ता अभी खुला नहीं है, उसके तुरंत उपरांत यहां पर चौपाटी बना दी गई। मतलब जो रास्ता खुला वो सीधा सीधा चौपाटी की ओर अग्रसर होता है, चौपाटी की ओर खुलता है। अब मुझे समझ में आया, और ये बात सिर्फ मैं नहीं, रायपुर की जनता भी समझती है कि कौन अहमदाबाद की कंपनी है, किसका ठेका है, कौन ठेका लिया है, किसका, इसके पीछे कौन सबसे बड़ा नेता है। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं, आप लोग भी इस चीज को समझते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है, जिस तरीके से आप लोग जरा सा भी यहाँ पर अगर कोई झरना खराब हो जाता था, अगर कोई फाउंटेन खराब हो जाता था, अगर कोई लाइट टूट जाती थी, तो आप लोग उसको बड़े उसमें बताते थे। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर आम जनता का सवाल है, सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं स्कूल 1000 सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर इन लोग ने फ्लोटिंग, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट यहाँ पर जो बना रहे हैं, जो रूफ टॉप रेस्टोरेंट बना रहे हैं, उस रूफ टॉप रेस्टोरेंट से ना के बच्चियां जो खेलेगी कूदेगी वो दिखेगा, यहाँ पर उनसे उनका बाथरूम का भी व्यू ऊपर से पूरा दिख रहा है। इसका मतलब लोग रेस्टोरेंट यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बच्चियां जो भी रहेगी, मुझे नहीं लगता कि बच्चियां यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। और जैसे ही गेट खुला तो बच्चियों को आगे कर दिए कि सब लोग वाह वाह बढ़िया हो गया, रास्ता खोल दिया, रास्ता खोल दिए, मगर ये नहीं देखे कि उस रास्ता खोलने में आप यहाँ पर एक न्यूसेंस पैदा कर रहे हो। यहाँ पर आप चौपाटी खोल के असामाजिक तत्वों को
आप बढ़ावा दे रहे हो असामाजिक तत्वों का, यहाँ पर जमावट रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चौपाटी का अगर निर्माण नहीं रुका तो हम लोग, हमारा पार्षद दल, हमारे पूरे सीनियर, हमारे पूरे MIC मेंबर, हमारे पूरे जोन अध्यक्ष और नहीं तो कांग्रेस का, कांग्रेस संगठन के भी लोग यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक के यह चौपाटी बन नहीं रहे हो जाएगी, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ चौपाटी नहीं खुलने दी जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ हम लोग किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करने देंगे। बच्चियां जो अंदर पढ़ रही है उनकी सुरक्षा को हमारी जवाबदारी है। यहाँ हम जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, वो हमारी जवाबदारी है। अगर इस तरीके का यहाँ पर चौपाटी अगर जबरदस्ती खोली जाती है तो इसका कड़ा विरोध करेंगे। अब आप लोग को भी ये बात समझना चाहिए कि क्यों रास्ता खोला गया। रास्ता पीछे खोलने के पीछे क्या कारण था? कारण यही था कि सीधा गाड़ी में आओ, चौपाटी में खाओ और चले जाओ। तो ये कुल मिला के आज हमारा पूरा पार्षद दल यहाँ पर आया हुआ है। हम चौपाटी का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। अभी यही नहीं, अभी वो चौपाटी भी जा रहे हैं जहाँ पर ये लोग ने वेंडिंग जोन बनाया है, उसका कोई प्रस्ताव हमारे पास में नहीं आया। स्मार्ट सिटी ने उसको बना दिया है, अभी वहां पर भी जा रहे हैं। और यदि वहां पर भी किसी जनता को परेशानी है, जनहित को परेशानी है, तो उसका विरोध करेंगे। अभी तो अभी आप लोग को सबको ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का वहां पर महापौर बैठा है, कांग्रेस की परिषद बैठी है, इसलिए सब ये चल रहा है, इसलिए इस तरीके का गेम चल रहा है। यदि हम लोगों को अगर इस गेम होता तो हम बहुत पहले यहाँ पर चौपाटी बना दिए रहते। 2-3 साल हमारी सरकार थी, मगर जब हमें ऐसा लगा कि पीछे महिलाओं का यहाँ पर स्कूल है, तो वाकई में अगर यहाँ पर चौपाटी खुल जाएगी, ये बात आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि कल ये बात उठेगी कि हमारा भी यहाँ पर प्रपोजल था चौपाटी का, मगर जब हमें ऐसा लगा कि पीछे स्कूल है और यदि चौपाटी बन जाएगी तो न्यूसेंस जरूर क्रिएट होगा, इसलिए हमने चौपाटी का प्रोग्राम को पूरे तरीके से कैंसिल किया। जैसी हमारी सरकार गई, दूसरी सरकार जैसी आई, वो तुरंत चौपाटी बन गई, हम मनाए, हम ही सवारेंगे, फोटो लग गए, ये लग गया, और सीधा के सीधा आप आओ चौपाटी में, आओ बढ़िया, यहाँ खाओ पियो। अब पीछे महिलाएं हैं, वो कोई सुरक्षित नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इस चौपाटी का पुरजोर विरोध करते हैं। नहीं तो हम पर्यटन स्थल के जो भी MD, सेक्रेटरी, मंत्री, सबके पास हम जाएंगे। और जिस तरीके से हमने रोड चौड़ीकरण के लिए सरकार को बाध्य किया, रोड चौड़ीकरण सरकार को करना पड़ा, वैसे ही इसमें भी इनको बाध्य होना पड़ेगा। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।